40 दिन बाद शराब की दुकान खुलते ही दिल्ली के तमाम शराब की दुकानों पर भीड़ लग गई। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के वसंत विहार इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए शराब की खरीदारी करने के लिए सुबह से ही लोगों की दुकानों पर भीड़ लग गई और यहां पर भीड़ इस कदर उग्र हुई कि यहां पर सोशल डिस्टेंस है वो भी ख़त्म हो गया। हालाँकि दुकान के सामने तो 40 लोगों के खड़े होने के लिए जो सोशल डिस्टेंस है उसके लिए मार्किंग करी गई थी, लेकिन उसके बाद जो मार्किंग है वो ख़त्म हो गई और सैकड़ों की तादाद में जो लोग सुबह से ही शराब की दुकान पर शराब खरीदने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें 40 दिन बाद दिल्ली पूरे देश में जो शराब की दुकानों को खोला गया है और आज से ही 4 मई से ही लॉकडाउन 3 चालू हो गया। उसी कैटेगरी में शराब की दुकानों के साथ साथ पान मसाले और सिगरेट की दुकानें उनको भी खोलने की अनुमति दी गई है, साथ ही साथ जो दफ्तर हैं उनको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन उसमें जो स्टाफ है वो 33% के करीब ही जो स्टाफ है वो पहुँचेगा। और आप देखिए यहाँ पर वसंत विहार इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए शराब की खरीदारी करने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ का हुजूम देखने को मिल रहा है और यहां पर लोग जो है शराब खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइन में खड़े हैं शराब के लिए, सुबह 9:30 बजे आए थे हम यहाँ पे शराब लेने के लिए। हाँ, वैसे ही खड़े हुए हैं यहाँ पे। लगभग कितने लोगों की भीड़ है यहाँ पे? अभी 500-700 लोग होंगे, भीड़ तो बहुत है यहाँ पे। अच्छा, सोशल डिस्टेंस यहाँ पे कोई मेंटेन नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंस सब दारू के लिए लगे हुए हैं। आप आसपास में क्या ठेके खुले हैं जो आसपास में नहीं खुले? इधर ही खुला हुआ है इसलिए सब इधर ही आए हैं। अच्छा, लोग जो है ना भर भर के लेके जा रहे हैं, मतलब जिसको एक चाहिए वो 4 लेके जा रहे हैं, क्या कारण है? क्यों डर है क्या कि आगे नहीं? लॉकडाउन का डर है कि लॉकडाउन दोबारा हो जाएगा, लोगों को बहुत टाइम से पीने के लिए मिली भी नहीं है, तो सोच रहे ज़्यादा ले जाए, कभी लॉकडाउन अचानक से फिर से हो जाए तो इसलिए ज़्यादा लेके जा रहे हैं। ठीक।